हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अंकिता। मैं अंकिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है टॉपिक लखनऊ। लखनऊ के विजिट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं भी जब लखनऊ गई थी। छोटे छोटे क्लिप्स हैं लेकिन इसमें मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो ये सीन है ये लखनऊ जू का है। ये अजगर सांप वगैरह का पूरा जू में था, ये मैंने वहाँ का वीडियो बनाया है। और उसके बाद जब जू खत्म होता है तो मंदिर की तरफ जाते हैं। ये जो कंपार्टमेंट और ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये जू में ही बना हुआ था। इसमें कुछ है नहीं खास, पूरा मतलब बोटिंग एरिया है। और ये बड़ा सा चकूबर टाइप आपको दिख रहा है, गिरा कर देंगे। तो फ्रेंड्स से बातें बातों में हम अपना आ चुके हैं इसमें। ये लखनऊ के ही अंदर बना हुआ था, देखिए कितना सुंदर सा है, ऊपर टाइप का है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा प्लेस है। घूमते हुए हम लोग बाहर की तरफ जब आएंगे तो उसके बाद दूसरा एरिया शुरू हो जाता है। ये रेस्ट एरिया भी कह सकते हैं जो कि जस्ट बाद ही है। और इसे घूमते हुए बाहर देखिए कितना फाउंटेन लगा हुआ है, काफ़ी दिन में विजिट किया था तो ये दिन का है, उतना अच्छा वीडियो नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। बट ट्रस्ट मी, ये रात में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेंट्रल एक्वेरियम आते हैं। लखनऊ जू में ही अंदर बना हुआ है, पहले तो एनिमल्स का था, अब ये एक्वेरियम है। खूब बाहर से मछली के शेप का बना हुआ है तो उसको मैं आगे दिखाऊंगी। ये अंदर का मैंने पहले ले लिया था, तो अंदर का है। इसमें कई सारी वेराइटीज की मछलियाँ हैं, बड़ा सा एक्वेरियम है, अंदर कूलर वगैरह सब चलते हैं कि फिशेस को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा सके। अच्छी कोशिश है, अच्छा है, आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप मेरा कहना है कि आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए बहुत करीब से। वीडियो में वो सब बातें नहीं आ पाती फ्रेंड्स, जो हम रियल लाइफ में खुद से देखते हैं कि कितना अच्छा है या क्या है क्या नहीं है। तो इतनी सारी वेराइटीज थी, आउट एरिया है, बाहर जाने के लिए रास्ते देखिए कूलर लगे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मैं गर्मी में गई थी और मैं सच में बहुत झेल रही थी बहुत, इसलिए मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल भी आप गर्मी में मत जाइएगा, ठीक ठाक है। देखिए अब ये मैं आउट एरिया में हम लोग आते हैं, ठीक ठाक है। हम एक्वेरियम से बाहर आ चुके हैं। एक्वेरियम से जस्ट बाहर आने के बाद आपको बोटिंग एरिया मिलेगा। घूमने के लिए या कुछ भी एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या कहीं भी हो, तो इवनिंग समय बेस्ट रहता है। अभी दोपहर का समय है तो कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है। मैं दोपहर के समय इसलिए विजिट किया कि इसमें वीडियो बनाने में या कोई भी चीज़ दिखाने में काफ़ी क्लैरिफिकेशन होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, ये सब जू के अंदर का ही सब पार्ट है। देखिए कितना बड़ा जू है लखनऊ का, देखिए फ्रेंड्स। और ये पीछे से एरिया का है,
रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए, ये है, इसे देखते हुए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जू के अंदर ही एक्वेरियम दिया हुआ था, ये सबसे बेस्ट चीज़ थी कि अलग अलग हमें घूमना ही नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा जू था तो जू में ही सब कुछ दे दिया गया, एक ही जगह पे पिन पॉइंट होके सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, चाहे नॉन वाइल्ड हो, चाहे पेट्स हो, चाहे फिश हो, चाहे लिविंग हो, सब कुछ आपको एक ही जू में अच्छे से कर दिखा दिया गया है। हाँ, बट सब पहले की तरह जू नहीं रह गया, अब इसमें एनिमल्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत ही कम। जो बड़े बड़े थे वो सब तो लॉयंस वगैरह ये सब थे ही नहीं जू में। देखिए फ्रेंड्स, एक्वेरियम है अब। एक्वेरियम से बाहर निकलने के बाद हम जू से जब निकलते हैं तो हम फिर जाते हैं भूल भुलैया। तो फ्रेंड्स, में भूल भुलैया में रानी की बावड़ी भी बना हुआ है, जहाँ से राजा महाराजा कहा जाता है कि वो लोग अपने शिकार को या फिर अपने दुश्मनों को देख लिया करते थे, और रानी का अपना सौंदर्य का निहारने के लिए उसमें पूरा पानी का बना हुआ है। उसका तो मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ फ्रेंड्स, और फिर आपकी डिमांड होगी तो मैं उसको फिर से डाल दूँगी। ये भी फिलहाल भूल भुलैया का मैंने लिया है, और भूल भुलैया कहा जाता है काफ़ी अच्छा है, ऐसे महाराजा ने बनवाया था कि अपनी किसी भी कोई दुश्मन हो या कहीं भी हो, अपने युद्ध के समय ये प्रोटेक्शन का क्षेत्र था उनके, वो यहाँ बैठ जाते थे और अपना पूरा ब्यौरा देखते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विंडो, हर विंडो भूल भुलैया की रचना ऐसी की गई है फ्रेंड्स कि आप जिस भी विंडो से देखोगे आपको पूरा बाहर का व्यू पूरा दिखाई देगा, और एक आप चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे मिड हो, चाहे किसी भी विंडो से हो, बाहर का आपको एक ही जैसा व्यू हर विंडो से दिखाई देगा, चाहे कितने किलोमीटर की दूरी पे आप क्यों ना देख रहे हो। और छोटे छोटे कॉरिडोर्स बने हुए हैं छोटे, और उसमें कॉरिडोर्स में ही हर एक एक दो दो तीन तीन फीट पे आपको विंडो खुली मिल जाएगी। इस विंडो में यहीं से बाहर का पूरा व्यू दिखता है, एक बड़ा सा छत है खुला हुआ, यही सब है फ्रेंड्स इसमें। और हम जाते समय मैंने पूरा जितना भी कॉरिडोर था पूरा मैंने शूट किया था कि कैसे कैसे है। ये मेन छत है, उसके नीचे भी है, तो हम लोग स्टेयर से पूरा सबसे पहले ऊपर आ गए। यहाँ की स्टेयर तो देखने में लगी थी कि हाँ पुराने ज़माने की है, काफ़ी लॉन्ग थी। अपना कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया है फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। भूल भुलैया में बता दें फ्रेंड्स, कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, जो भी रोशनी आती है सूरज की किरणों से आती है, सब नेचुरल है, इनसाइड में कुछ नहीं है, पूरी दीवारें एकदम रफली हैं। आप जाइएगा तो अपना कैमरा अपनी लाइटिंग को देख के जाइएगा, और वहाँ पे गाइड भी मिलते हैं आपको, गाइड भी ले सकते हैं घूमने के लिए, या सेल्फ भी है, दोनों ही व्यवस्था है। चलते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, फिर आगे भी लोग थे, जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे काम हो रहा है। सात का कॉरिडोर है भूल भुलैया का,